हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने JBL स्पीकर्स को अपने जो माइक्रोमैक्स के फ़ोन है उसके साथ कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब डिस्कनेक्ट करने के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको पहले सेटिंग्स ओपन करना पड़ेगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्टेड डिवाइसेस का, सिंपली आप उस पर क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करते ही जो आपका जैसे आप देख सकते हो कि जो मेरा ब्लूटूथ डिवाइसेस है वो उससे इससे कनेक्ट हो रखा है, इसको डिस्कनेक्ट करना है। तो आपका जो भी ब्लूटूथ का डिवाइस का नाम है उसके बगल में कुछ इस सेटिंग्स आइकन आ गया, इस तरह का सेटिंग्स आइकन में क्लिक कर देना। उस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा डिस्कनेक्ट का, ठीक है, एक फॉरगेट का, एक डिस्कनेक्ट का। सिंपली हमको डिस्कनेक्ट करना है तो हम डिस्कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। डिस्कनेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते ही डिस्कनेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। तो आप इसी तरह अपने ब्लूटूथ स्पीकर को अपने माइक्रोमैक्स के फोन के साथ डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।